हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्वर आलय म्यूजिक। आज मैं आपको राग देश पर आधारित एक मेलोडियस धुन बजाना सिखाऊंगा। राग देश, राग देश पहले ये समझ लीजिए कि राग देश में कौन कौन से स्वर लगते हैं। राग देश की उत्पत्ति खमाज ठाट से मानी गई है। आरों में गंधार और धैवत वर्ज तथा अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते, इसलिए इसकी जाति औड़व संपूर्ण है। जैसे आरोह में स रे म प नि स, ये आरोह हो गया। अवरोह स नि ध प म ग रे ग नि स, इस टाइप से अवरोह में सातों स्वर लगते हैं। लेकिन आरोह में जैसे खमाज राग ठाट होता है, उसमें आरोह में शुद्ध स्वर लगता, शुद्ध निषाद लगता है और अवरोह में कोमल निषाद लगता है। उसी टाइप से इसमें भी चढ़ते समय शुद्ध निषाद है, उतरते समय कोमल निषाद है। और इस राग में वादी स्वर है ऋषभ और संवादी पंचम है। गायन समय रात्रि का दूसरा पहर है। और इसमें ऋषभ पंचम षड्ज ये न्यास के स्वर होते हैं। एक बार पुनः आरोह अवरोह देखें। आरोह स रे म प नि स, स नि ध प ध म ग रे ग नि स। बहुत सुंदर धुन है। ये सिर्फ दो फ्रेज हैं इसके, ताल कैरवा में मैंने बजा के बताया आपको। नि स रे म ग रे ग नि स, नि स रे नि नि स रे, रे के ऊपर एक मात्रा ठहराव दे देना। म ग रे, पुनः रे के ऊपर एक मात्रा का ठहराव। ग नि स, ग के ऊपर एक मात्रा, नि के ऊपर एक मात्रा, उसके बाद सा के ऊपर तीन मात्रा। ग नि स, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। ये पहला फ्रेज आपका बन गया। नि स रे म ग रे ग नि स, पहले फ्रेज को दो बार बजाते हैं। दूसरा फ्रेज म प नि स रे नि ध प, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, ध प म प ध म ग रे ग नि स। और ध ध प म प, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, इस टाइप से। म प नि स रे नि ध प, ध प म प ध म ग रे ग नि स, इस टाइप से इसकी इसकी मात्रा हो जाए।